गुड फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का डे टू है। तो आज मैं रिटर्न लौट रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको इस होटल में दिखा देता हूँ। अगर आपको चीप में चाहिए तो ये अच्छा है, लेकिन अगर आपको हाइजीन मेंटेन करना है तो ये बिल्कुल ही गंदा होटल है। आप जैसे देख सकते हैं ये होटल, ये जो बेड है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वॉशरूम, टीवी, वॉशरूम इसका बहुत ही गंदा है, आप यूज़ करने लायक नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का ट्रिप है, हम लोग आगरा फोर्ट जाएंगे, लाल किला, उसके बाद हम लोग वहीं से आगरा फोर्ट स्टेशन जाएंगे और फिर रिटर्न जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रास्ते में हम लोग बात करते चलते हैं। गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर। देखना है अब कहाँ जाना है। ऑटो तो है नहीं, रेड कर सकता हूँ। और फिर वहाँ से स्टेशन जाने का। यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पर एंट्री तो अभी नहीं है, शायद लोग पार्क में वेट कर रहे हैं। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पार्क है। चलिए देखते हैं अंदर में कैसे एंट्री मिलती है और क्या होता है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। हाँ, टाइम हो चुके हैं सुबह के 5:55। देखना है कि यहाँ एंट्री कैसे है। टिकट काउंटर के साथ बंद है। चलिए हम लोग टिकट लेते हैं। और ये है हमारा टिकट काउंटर। इस बार हम लोग देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। एक बार यहाँ पे हम लोग टिकट लेने आए हैं। काउंटर पर टिकट लेंगे भैया। दो टिकट दीजिएगा क्या। यहाँ पर मैंने अंदर बुलाया है, अंदर बैठ के देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उस विंडो पर उन्होंने उस विंडो पर बुलाया, मैं इधर आ गया। यहाँ पर हम लोग को टिकट लेने हैं। दो टिकट दीजिएगा। यहाँ से हम लोगों ने दो टिकट ले लिए हैं। अब यहाँ से अंदर जाएंगे, बैग अंदर जितनी जमा होगा जिन्होंने कहा, देख लीजिए एक बार। अब फिर अच्छे भी अंदर चलते हैं, देखिए बैग कहाँ से मिस कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 40 की टिकट मिलेंगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट है। यहाँ पर हो चुका सिक्योरिटी चेक और जा रहे हैं बैग को जमा करने। ये है पूरा सीन, आप लोग नज़ारा ले सकते हैं। सो चलिए बैग सबमिट करते हैं, हम लोग को निकलना भी है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, फिर आगे हम लोग ऑप्शन मिलते हैं। शायद हमारा लॉकर रूम, यहाँ पर हम लोग लॉकर रूम में सबमिट करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। मैं सबमिट करके आपसे मिलता हूँ। और यहाँ पर
पर हो, यहाँ पर हो चुका है सिक्योरिटी चेक और यहाँ से हम लोग को जाना है अंदर। सो यहाँ से हम लोग को मिल चुकी है एंट्री, यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और फिर यहीं से वापस आके हम लोग जितनी जल्दी कोशिश करेंगे यहाँ से वापस आकर अपने सामान लेकर और फिर से स्टेशन जाए हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आज हम लोग को रिटर्न भी लौटना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है इसका वे और ये है सारी नज़ारा। सो मैं फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा जल्दी चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक कुआं है जो कि बहुत गहरा है, यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है इसमें। तो मुगल का एक तोप मिल जाएगा यहाँ देखने के लिए, ये देख लीजिए मुगल का तोप है। यही वो प्लेस है, कहने का मतलब ये वो मतलब ये नहीं, ये पूरा जो मैं फोर्ट की बात कर रहा हूँ, यही जो प्लेस है जहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना कर रखा था, जहाँ से वो एक प्लेस है जहाँ से आपको ताजमहल एकदम सीधे डायरेक्ट नजर आएगा। तो चलिए वो प्लेस खोजते हैं कहाँ पर है और देखते हैं आगे को मिलने को कहाँ मिलेगा, एक जैसे पूछते हैं क्या होता है। शायद ये वही प्लेस है जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा ताजमहल का वो पार्ट जहाँ से वो शाहजहाँ देखते थे। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ, देखिए मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या देखने को। यहाँ देखिए ये पूरा नज़ारा है आपका, यहाँ से वहाँ तक आपको सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर पिक्चर्स भी हमारी ठीक नहीं आएंगी क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट है, तो हम लोग ऑपोजिट जाके यहाँ से पिक्चर अपनी लेंगे। और ये देखिए पिलर, आप कहीं से देखिए तो आपको एक परफेक्ट एकदम आपको ये मिलेगा व्यू। सो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं इधर और यहाँ से हम लोग जा सकते हैं इधर या इधर। नीचे गार्डन है पर बहुत कुछ है, चलिए यहाँ से क्या हो सकता है हम लोग देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स ये देखिए आप सूर्य की रोशनी में परफेक्ट नज़ारा है लाल किले की, ये पार्ट है पीछे का। और अब जो मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो है यमुना के पार्ट। सो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये देखिए ये है पूरा नज़ारा और चलिए देखते हैं हम क्या देखने को मिलता है। ये शायद वही प्लेस है, सो हम लोग यहाँ आ चुके हैं और मैं आपको वो पार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ से ताजमहल दिखता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको इस पार्ट में देखिए आपको ताजमहल दिखेगा, नहीं दिख रहा तो मैं फिर से दिखाता हूँ, इस पार्ट में ताजमहल दिख रहा है आपको, यहाँ पर ताजमहल है। तो शाहजहाँ ही आसपास कहीं मैं कुछ कैद करके रखा गया था यहीं पर, वो यहाँ से देखते थे
मुमताज के कब्र को। सो अब थोड़ी धूप लगने लगी तो मैं सब कुछ हाँ तो अब ठीक है। तो यहाँ से आपको ताजमहल का पूरा व्यू मिलेगा, आप देख लीजिए एक बार फिर से, और पीछे यमुना नदी का भी आपको व्यू मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स ये है पूरा ये व्यू, हम आगे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाता चलूँगा जैसे क्या है। और ये जो पूरा पार्ट है ये डिवाइड करता है यमुना नदी इसको, जहाँ पर पहले ताजमहल को शिफ्ट करने का बात चल रहा था लेकिन ये करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको ब्लैक मार्बल से बना हुआ ताजमहल बनाने की कोशिश की गई लेकिन फिर उसे रोक दिया गया, क्योंकि अगर वो बन जाता तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, इस वजह से उसे रोक दिया गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत धूप हो चुका है, तुम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो अभी हमने पूछा उन भाई साहब से जो पीछे हैं उनसे पूछा क्या देखने के लिए, तो उन्होंने बताया कि सामने भी बहुत कुछ है, तो सामने हम लोग जाते हैं। सारे महल के नाम दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं अभी हम कौन से महल पर आए थे। दीवान ए खास, ये है दीवान ए खास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ घूमना हम लोग को। सो गाइस हम लोग इधर आ चुके हैं, इस टाइम धूप में तो चश्मे सही है लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ निकाल दूँ, और इधर कुछ अंधेरा है तो ये देख लीजिए अंधेरे पार्ट में जा रहे हैं, आगे बताता जाऊँगा कैसे क्या है। सो ये देखिए ये एंट्रेंस है इसका, और यहाँ तो कुछ भी सन्नाटा, ये तो शायद बंद पार्ट है, और देखते हैं यहाँ कुछ है कि नहीं या नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। सो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, यहाँ आने कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर सॉरी हम लोग को दिखा नहीं, यहाँ पर उतरने के लिए प्लेसेस दिए हुए हैं। सो ये स्टेयर्स हम लोग चलते हैं नीचे, हाँ ये देखिए ये औरंगजेब टाइम का एक जेल है, ये प्लेसेस हैं और ये भी है दीवाने खास दीवाने आम जो भी हो, इतना मुझे नहीं पता, यहाँ पर कोई गाइड नहीं मुझे नहीं किया है। सो ये है हमारा मुसम्मन बुर्ज, यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है, आपको उल्टा दिख रहा होगा ये भी देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ से इस पार्ट से ताजमहल का व्यू अच्छा आएगा, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ है पढ़ने पर इतना टाइम है नहीं, हाँ लिखा हुआ है जहांगीर की नया जंजीर, और यहाँ देखिए आपको ताजमहल का अच्छा व्यू मिलेगा, आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ दिख रहा होगा आपको इस पार्ट में, यहाँ देखिए इस पार्ट में आपको दिख रहा होगा। सो गाइस इधर से बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, ये भी वही पार्ट है यहाँ से पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक, सिर्फ ये देखने वाला ही है क्या है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ तो अगर कुछ लग नहीं रहा है देख लेते हैं, बाउंड्री वॉल है और कुछ तो है नहीं। तो चलते हैं हम लोग वापस, लेकिन हम लोगों को ट्रेन भी पकड़नी है, और यहाँ से हम लोग धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेंगे। हम लोग तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। सो गाइज यहाँ हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पीछे गार्डन है पूरा, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा गार्डन है। सो इस गार्डन में शायद कुछ यहाँ के लोग खेती करते होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो पूरा व्यू है, हाँ यहाँ पर आप एक बार चाहें तो
घूमने के लिए अब कुछ है नहीं वैसे खास, बस यहाँ से वो है जहाँ पे साजा कैदी बना कर रखा गया था, जहाँ से वो देखते थे। वो पार्ट कौन सा वो तो मुझे अभी तक पता चला नहीं है, वही मैं खोज रहा हूँ कहीं दिखा हुआ मिल जाए। हाँ ये यही है ओरिजिनल लाल किला। यहाँ पर देखिए यही कोई इसी में से कोई एक प्लेस है जहाँ पर, हाँ जो मैं बता रहा था कि ये है ओरिजिनल आपका रेड फोर्ट जो दिल्ली में, वो ओरिजिनल नहीं है मतलब उसको बनाया गया है, लेकिन ये है आपका ओरिजिनल रेड फोर्ट जो कि यहाँ पर शाहजहाँ को कैदी बना कर रखा गया था। ये बहुत बड़ा था, भले यहाँ पर एक राजा हो लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा महल समझिए, एक महल टाइप से है ये। तो चलिए फ्रेंड्स लोग आगे चलते हैं और फोटो सेशन करते हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं थोड़ा गार्डन में देखने आगे क्या है, उस पीछे वाले पार्ट में जा रहे हैं हम लोग। सो चलिए देखते हैं हम लोग को आगे आप क्या देखने को मिलता है। बहुत ही धूप है, चिलचिलाती धूप स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअली जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो 46 डिग्री सेल्सियस बता रहे थे वो लोग, लेकिन शायद कहीं बारिश हुई होगी इस वजह से। ये देखिए ये सारे जो हैं ये रूम्स हैं जिसमें शायद रानियाँ रहती होंगी या आई थिंक सो जेल भी हो सकता है, लेकिन जेल का दरवाज़ा ऐसा होता नहीं है, हो सकता है यहाँ पर। चलिए हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं क्या है। और ये देखिए सबसे खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए पूरा पीछे। हम लोग से भी एक्सप्लोर करते हैं क्या यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरा सुंदर नज़ारा है यहाँ से, पूरा गार्डन वगैरह सब कुछ है। सो चलिए हम लोग यहाँ पर फोटो सेशन कुछ करेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये देखिए पूरा सुंदर नज़ारा यहाँ से, पूरा एक पैरानोमिक व्यू है सारे चीज़ों का। यहाँ देखिए ये दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है। ये अंदर क्या है, पूरा अंधेरा है पता नहीं, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गाइस फोटो सेशन हो चुका है, अब यहाँ पर हम लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 7 बज गया है हम लोग को। तो चलते हैं देखते हैं आगे और क्या एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग के पास। ये पूरा इलाका जो है, पूरा जो है आप देख सकते हैं रेड फोर्ट का यहाँ पर, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। पूरा दिन तो हम लोग को चाहिए था घूमने के लिए, हम लोग जो कल जो हमारी ट्रेन लेट हो गई उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, अगली बार से हम लोग थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेकर आएंगे और इसे पूरा एक्सप्लोर करेंगे, अभी के लिए काफ़ी है। तो इधर भी कुछ है देख लेते हैं वो क्या है। यहाँ पर नीचे आने के लिए है तो हम लोग उतना टाइम है नहीं, अंदर नीचे जाए हम लोग क्योंकि हम लोग को निकलना भी यहाँ से। सो गाइस जो मैं बात कर रहा था इस बिल्डिंग की, इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है जहांगीरी महल एवं अकबरी महल। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं वो दिखा, हाँ यहाँ उल्टा दिख रहा है आपको, तो ये वही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना, हम लोग को देखते हैं क्या क्या मैं दिखा सकता हूँ आपको। एक्चुअली मेरा माइक का ये नॉइज़ डिटेक्शन हो गया था, उसी को मैं ढूंढने के लिए आया था, दोबारा मुझे वहाँ से आना पड़ा। ये देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, भीड़ लगा है, वहाँ से मुझे दोबारा आना पड़ा। सो
मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो ये मिल चुका है, हम लोग उसी रास्ते से वापस आए तो मुझे ये मिला। तो चलिए अब हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आई हुई है। गिलहरियों को खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ पर लोग खाना खिला रहे हैं। सो गाइस, अब मैं रिटर्न जा रहा हूँ। आपको मुझे बताना था वो मैं दिखा चुका हूँ। बाकी मैं आगे आप लोग को मैं अपने कैमरे का कैप घूम रहा था लेंस का। तो चलिए यही था पूरा व्यू। अब मैं बाकी जो होगा व्यूज़ उसे मैं फास्ट फॉरवर्ड में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू। ये अंधेरी गलियाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, आप ऊपर देख सकते हैं। थैंक यू कमी से मैं वो जल्दी कंप्लीट करके निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर देख रहे थे कुछ मिल जाए देखने को, इधर तो है आगे विज वगैरह। यहाँ देखिए, मतलब आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, बस वही पूरा अगर महल घूमने लगे यहाँ का रेड फोर्ट तो आप लोग को बहुत टाइम चाहिए। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 7 बज चुके हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप। वापस चलते हैं, हम लोग निकलते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर इतने ये एक अच्छा है कि यहाँ पर दोपहर के टाइम ही सिर्फ धूप आती होगी, नहीं तो दिन भर बहुत अच्छा रहता होगा, चारों ओर से दीवारों से ढका हुआ है। यहाँ कब कहाँ कौन सा ये है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत भीड़ चल रहा है, अभी निकलने का टाइम आ चुका है, हम लोग को निकलना है। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया तो जल्दी जल्दी सोच रहे हैं निकल जाए। ये भी देखिए एक जेल है।